ये नहीं समझना कि तू चली गई तो यशवंत सिंह से मेरी लड़ाई भी खत्म हो गई। इस चिता में जलती हुई तेरी लाश की कसम, तेरी चिता तो मेरा कुरुक्षेत्र है। मैं यशवंत सिंह को बेइज्जती का वो जहर चखाऊंगा जिसकी कड़वाहट से मेरी जबान ऐंठ गई है। ये क्या बदतमीजी है? बोल, दर्द हुआ कि मजा आया? बोल, दर्द हुआ कि मजा आया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। उठ, यही सवाल तुझसे करना बाकी था। और यशवंत सिंह को एक बात बतानी है कि इज्जत इज्जत होती है, चाहे गौरी की हो या शाही खानदान की। बोल, यशवंत सिंह कहाँ है? बता दो। बोल, बताता हूँ। वो अपने शिकारगाह में, शिकारगाह में। कल रात गौरी की चिता जली थी, आज यशवंत सिंह की जलेगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारा साथ देने आई हूं। उनकी सजा मौत नहीं है बल्कि अपमान है, वही अपमान जिसकी आग में तुम जल रहे हो। कुंवरी यशवंत सिंह की बहन तुम्हारे सामने खड़ी है, वो तुम्हें अपने प्यार से मुक्त करती है बिल्लू। अब तुम उसके साथ वही सलूक करना जो कुंवर जी ने तुम्हारी गौरी के साथ किया था। अरे देविका, कहाँ हो आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। कैसे आऊं? बिल्लू मैकेनिक ने मुझे किडनैप कर रखा है। क्या कह रही है तुम? उसकी रिवॉल्वर की नली मेरे माथे पर है, वो आपसे बात करना चाहता है। यशवंत सिंह, हम साथी, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो अभी इसी वक्त मेरी बहन के पांव पड़कर उससे माफी मांग ले। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे जीने की इजाजत दूंगा, वरना तू कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत। गौरी याद है तुम्हें? तो समझ लो तुम्हारी बहन गौरी है और मैं यशवंत सिंह। मैं अदालत में गौरी का पूरा बयान सुन चुका हूं और अब वही सीन करने जा रहा हूं। बिल्लू मैकेनिक तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने जा रहा है। हरामजादे, अपने अपने हाथ रोक ले। जो आज्ञा महाराज। अब मुझे खोजने तो जरूर निकलेंगे, तो अभी के जंगल के पेड़ों पर आपकी बहन के कपड़ों के टुकड़े अटके हुए दिखाई देंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे कपड़े उतारूंगा और आप उन कपड़ों के टुकड़ों को समेटते हुए अपनी बहन राजकुमारी की आबरू की लाश तक पहुंच जाएंगे। कुत्ते की मौत मारेगा तू? कुत्ते की मौत तो मैं मारूंगा तुझे। मैं बिल्लू चौधरी। हाँ, मुझे उसकी लाश चाहिए, कल सुबह तक, कल सुबह तक मुझे बिल्लू चौधरी की लाश चाहिए, लाश। सुनो, तुम लोग सब उधर जाओ और बाकी सब इस तरफ जाओ।
अकेले होते हुए तुम्हें अकेले सोचने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? मेरे दिल में गौरी की लाश रखी हुई है, अब इस दिल में तुम्हारे भाई की लाश रखनी पड़ेगी। क्या इन दोनों लाशों के साथ तुम मेरे दिल में रह पाओगी? भाई श्री, रुक जाइए। अच्छा किया तुमने देविका, गुस्से में मैं ये भी भूल गया था कि इसे तड़पा तड़पा कर मारना है। बांधो इसे। इन्हीं हाथों ने, इन्हीं हाथों ने मेरी बहन को छुआ है ना, मैं तेरे इन हाथों को काट कर फेंक दूंगा। हरामखोर! नहीं, मैं तुझे मरने से पहले वो बनाना चाहता हूं जो तू हमेशा बनना चाहता था। मेरे खानदान का राजकुमार बनना चाहता है ना, मगर राजकुमार बनने के लिए सर पे ताज पहनना पड़ता है, और मैं अपने हाथों से तेरे सर पे ताज पहनाऊंगा। तेरी ताजपोशी होगी अभी इसी वक्त। शेर सिंह! जी सरकार। इस राजकुमार के लिए ताज लेकर आओ। ताज सरकार। लो, आ गया तुम्हारा ताज। वाह, अब तुम बन गए राजकुमार बिल्लू चौधरी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ताज ठीक तरह बैठा नहीं। बहुत छाता ना तुझे, खून बहाने पड़ते हैं राजकुमार बनने के लिए। श्री, अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं तो बिल्लू को छोड़ दीजिए, प्लीज भाई श्री, प्लीज। नहीं, इससे मेरी जिंदगी की भीख मांगकर मेरे और अपने प्यार का अपमान मत कर देविका। बिल्लू, तुम इससे प्यार करती हो देविका? इस गंदी नाली के कीड़े से प्यार करती हो तुम? बोलो। जी भाई श्री। हट जाओ। स्टॉप इट। कुंवर यशवंत सिंह,